गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे प्लस टू केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, इसका नाम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हम बेसिक टर्म से शुरू करते हुए लास्ट तक जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इन पीवीसी एकेडमी। सबसे पहले टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, लेकिन उसके अंदर टू टाइप्स के कंपोनेंट होंगे, जिसके अंदर पहले कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे और सेकंड को हम जानेंगे सॉल्यूट के नाम से। पूरे चैप्टर के अंदर हम सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन It is the homogeneous mixture of two component like solvent and solute। The solvent इसमें होगा वो क्या होगा, उसकी percentage क्या होगी, more होगी, और इसकी percentage क्या होगी, less होगी। इसके अलावा हम बोल सकते हैं solvent क्या होगा इसके अंदर as मेजर कंपोनेंट, और जो सल्यूट होगा वो क्या होगा, माइनर कंपोनेंट। एग्जांपल की बात करें, अगर हम शुगर मिक्स इन वाटर, तो वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और शुगर क्या होगा इसमें, सल्यूट होगा। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा इसको हम एक्वस सॉल्यूशन भी कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद एक एग्जांपल और करें, 54 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन दोनों में से वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड में से कौन सॉल्वेंट होगा, तो आपका दिमाग बोलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऐसा आपने नहीं करना है। इसके लिए सबसे पहले आप निकालो कि नंबर ऑफ मोल क्या था, वो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। हम नंबर ऑफ मोल दोनों के निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर के गिवन मास 54 एंड वाटर का मास होगा कितना होता है, वो 18, तो कितना आगे काट गए, 3। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 3 एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, गिवन मास 196 और इसका जो मोलर मास होता है वो 98 ग्राम, तो कार कितना है इसको, 2। तो आप देख सकते हो कि किसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा, वाटर के अंदर, और सल्फ्यूरिक कितने हैं, 2। तो हम क्या बोलेंगे, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, और जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। आपने हमेशा नंबर ऑफ मोल के ऊपर जाएंगे और नंबर ऑफ मोल से ही डिसाइड करेंगे कौन सॉल्वेंट होगा और कौन सॉल्यूट होगा। इसके बाद अब बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस ऑन द कंपोनेंट। अगर सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट 2 है, 2, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बुलाते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 होंगे तो उसे बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, सो ऑन। ऐसे चलते रहेंगे, हमारे सिलेबस में ओनली बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्वेंट होगा और एक क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
ओके हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। इसके अंदर आप देख रहे हो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसकी स्टेट कौन सी होगी उसके ऊपर सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस। मैंने तीन कैटेगरी बनाई इसके अंदर, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री। सबसे पहले नंबर वन के अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगी। ऐसा सॉल्यूशन इसमें दोनों के दोनों गैस हो, इसका एग्जांपल एयर। एयर के अंदर आप देखोगे क्या, N2 O2 हीलियम, नियोन, CO2, किसी की परसेंटेज ज्यादा किसी की परसेंटेज कम। तो ऐसे एग्जांपल के अंदर सभी क्या गैस, तो हम बोलेंगे एयर। नंबर दो, इसके अंदर लिक्विड सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट गैस होगी। इसके लिए एग्जांपल जो होगा वो क्या होगा, वाटर वेपर, वाटर वेपर इन एयर। उसमें हवा क्या होगी, एयर क्या होगी, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या होगा, वाटर। नंबर थ्री, नंबर थ्री में सॉल्यूट सॉलिड एंड सॉल्वेंट फिर से गैस। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, स्मोक पार्टिकल इन एयर। स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, उसकी परसेंटेज कम होगी और जो एयर के अंदर गैस होगी वो क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें सॉल्यूट गैस होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। मीनिंग नंबर टू नंबर पे बात करेंगे हम। इसका एग्जांपल O2 इन वाटर। इसके अंदर क्या होगा, पानी के अंदर ऑक्सीजन कम और वाटर क्या, ज्यादा। तो इसे हम बोलेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल क्या होगा, इथेनॉल इन वाटर। जो इथेनॉल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C2H5OH, इथेनॉल इन वाटर। इसके बाद नंबर थ्री, इसके अंदर सॉल्यूट सॉलिड एंड सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल क्या होगा, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, दैट आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर थ्री, नंबर थ्री में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड। सबसे पहले गैस इन सॉलिड, इसका एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोजन इन प्लेडियम। आपने क्लास टेंथ में एक फिनोमेना पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता था बाय एडिशन ऑफ द H2 गैस। तो इसके अंदर क्या होता था, एक कैटालिस्ट हम इस्तेमाल करते थे, निकल एंड प्लेडियम। इसके अंदर प्लेडियम की परसेंटेज ज्यादा थी और हाइड्रोजन की परसेंटेज कम थी। तो ऐसे एग्जांपल को हम बोल सकते हैं गैस इन सॉलिड। नंबर थ्री, नंबर टू लिक्विड इन सॉलिड। इसके लिए मरकरी विद सोडियम, मरकरी आप जानते हैं कौन सी स्टेट में होती है, लिक्विड में। अगर मरकरी सोडियम से मिक्स हो जाए या किसी मेटल से मिक्स हो जाए तो हमें क्या बोलते हैं उसको, अमलगम। तो यहां पर था ये लिक्विड इन सॉलिड। इसके बाद बात करेंगे सॉलिड इन सॉलिड। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। कॉपर को मेल्ट करके गोल्ड में मिक्स करेंगे तो कॉपर कम होगा और गोल्ड गोल्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड।
तो इस तरह से आप याद कर सकते हो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ कैन वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन एंड परसेंटेज नॉर्मेलिटी। ऐसे बहुत से टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।